नकली नोटों के कारोबार करने वाले चार जालसाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां नकली नोट के कारोबार करने वाले चार जालसाजों को मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए इन चारों जालसाज कोडरमा झारखंड के बताए जा रहे हैं। पकड़े गए जालसाजों के पास से पुलिस ने 5700 रुपये के नकली नोट भी बरामद किए हैं। दरअसल मुगलसराय कोतवाली पुलिस को सूचना लगी कि कोई जालसाजों का समूह आपस में बातचीत कर रहा है। इसके बाद मुगलसराय कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई और सेंट्रल कॉलोनी ओवरब्रिज से इनको धर दबोचा। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह भोले भाले लोगों से 1 लाख रुपए के बदले 3 लाख रुपए देने के नाम पर ले लेते हैं, फिर कागज़ और अखबार नमक डालकर बैग की भारी कर ताला लगा देते हैं। इस तरह हम लोगों द्वारा जब चाबी की मांग की जाती है तब पुलिस आ गई बोलकर वहाँ से निकल लेते हैं। फिलहाल पुलिस इन साथी जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह इनके अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी में जुट गई। देखिए चंदौली से गोविंद प्रजापति की रिपोर्ट। कल रात करीब 9:15 बजे के आसपास एक गोपनीय सूचना पे एक बीजा कार के साथ किशोर कुमार अग्रवाल और महिला उनके साथ में हैं, वो और दो आदमी और कुल 4 आदमियों के विरुद्ध जो है पकड़ा गया, लाया गया। तो उनसे पूछताछ में 37,500 रुपये 500 के, 200 के और 50 के मिले, जिसके बारे में बाबत पूछताछ करने से ये प्रकाश में आई बात कि ये जो है 1 का 3 गुना रुपया देते हैं और उस बंडल में कागज़ के अखबारी बंडल को बनाते हैं और उसमें नमक डाल करके वेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको बैग थमाते हैं और अपना पैसा लेते हैं 2 लाख का 6 लाख करते हैं, और जैसे ही उन्होंने दिया तो कह देंगे चाबी तो छूट गई, चाबी अब हमारे पास नहीं है। इस तरह से गोलमोल बातें करके ये तुरंत रुपए लेके चले जाते हैं और विक्टिम को भी जो सेकेंडरी पार्ट होता है इसका उसको भी वहाँ से हटा देते हैं, और हटाने के बाद जब वो घर जा कर के खोल के देखता है तो उसमें अखबार रहता है और इनके पास जाली नोट बरामद हुआ। सर ये लोगों के पहले ही ऐसे काम है? नहीं, इन लोगों ने कई घटनाओं का अंजाम दिया है, यहाँ तक कि नेपाल का आना जाना भी है। इसके बारे में इनके पास से जो मोबाइल्स मिले उसमें कुछ वीडियो हैं जिसमें से काफ़ी मात्रा में रुपयों का जिक्र है, तो वो सब चीज़ सभी सूचना विभाग को दे दिया गया है जिसमें आवश्यक कार्रवाई चल रही है।